करता पुरख निर्भय निर्वार अकाल वाहेगुरु जी की जय। अज गुरनाथ नगरी से जिस नगरी से पिछले दिन उन्हां जालमां ने जिन्हां जालमां ने गुरु साहब की बिनती की गोदरा अकाल मुखा साहब जो 23 तरीक को अमृत वेले जो जंग सिख जथेबंदियों की आपस में कोई वंड वधाई तो झगड़ा सी झगड़े च उस जगह नू उस स्थान नू याद कराया जो 1984 च सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे वापरिया। उस समय दी हाकम ने इंदिरा गांधी ने वह कांड करवाया सी। आज ये पंजाब की सरकार ने दिल्ली जो हाकम बैठा है इन्हों का मुखी वो फिर आवाज़ नू इत्थे इंप्लीमेंट किया आवाज़ नू अगे पहुँचाया इस सूबे के मुख्यमंत्री जी को बनाया वो राही अपनी पंजाब पुलिस नू कहा कि यह निहंग सिंह जिहड़ा झगड़ा बाबा बलबीर सिंह दूजे विरोधी नू जो कब्जा है तो को कब्जा लैके दे गोलियां की जो बाछड़ जुटिया समेत साठा समेत जरा अंदर पुलिस पहुंची है उसने हमला किया अज का जो रोस धरना है ये श्रोमणी अकाली दल के श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यह प्रोग्राम लिखा उस प्रोग्राम के मुताबिक अज पहला जथा बाबा कला साहब की पवित्र नगरी तो श्रोमणी अकाली दल के हल्के वजो और श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे वर्करा वालों इतने रोस वजो पहुंचे हैं उत्थे साडे गरेवाल साहब जिहड़े कोआर्डीनेटर लगे ने वो भी मेरे नाल साथी ने उत्थे भाई मनजीत सिंह जी डोगरावाला साहब बीबी रोही जी इस तरह ही इस हल्के के इंचार्ज कैप्टन साहब भी इतों हो के गए ने। अब सारे ने यह सिख संगत च बहुत वड्डा रोस सी अज रोस नूं अगे वधाउंदिया ये जिहड़ा धरना चालू किया ये डे बाई डे जिहड़ा वह श्रोमणी अकाली दल के प्रधान के साहब के आदेश के मुताबिक सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी साहब के आदेश के मुताबिक हर रोज़ यह धरना अगे वधूगा तो मैं समझना कि ये हर हल्का इंचार्ज भी इतने आऊगा तो सिख संगत भी आऊगी तो अज तुहाडे माध्यम राही उन्हां लोकां नू जिहड़े कहिंदे सी सिखां दे बड़े हत्याशी आ उन्हां नू भी मैं पुछना चाहुंदा कि अज तुहाडी जमीर आओ कित्थे गई आ तुहाडी जमीर मर गई आ तुसीं सिर्फ तो सिर्फ बादल परिवार के खिलाफ बोलते जो अंदर के कांड होया कुछ शरारती अंसर ने कांड किया तो तुम कहते भगवंत सिंह परचा मुख्यमंत्री से होम सैकटरी से होना चाहिए अज होम सैकटरी भी तू आ मुख्यमंत्री भी तू आज परचा चिरते बढ़ता अज का रोस धरना यह मंग करता कि 302 का परचा पंजाब के इस मुख्यमंत्री दे ते उन्होंने जिन्होंने जेडे अफसर ने ये कहने से कार्रवाई की उन्होंने खिलाफ जी कार्रवाई होनी चाहिए है उत्थे ये अज का रोस धरना गुरु साहब की इस पवित्र नगरी से अरदास बेनती भी करता है सवेरे तो धरना चालू किया सारे अरदास करके भी आए हैं कि गुरु महाराज उन्हां पापियां उन्हां हंकारियां एड्डी वड्डी सज़ा दे जो इंदिरा गांधी नूं दित्ती सी अज वो 40 साल हो गए परिवार तरस रहा कि सानू कुर्सी मिल जाए तो भगवंत सिंह तिरना भी इदा आनी है केजरीवाल तिरना भी आनी है जे सिखां च अज विद्रोह आ जो बेअबदी तू शुरुआत की ये तेरा मनोबल पूरा नहीं होने वाला अज पंजाब के लोग तेरे खिलाफ उठ खोते आ मुलाजम तेरे खिलाफ उठ खोते आ किसान तेरे खिलाफ उठ खोते आ अज बेरोजगार वो लोग भैं जिन्हों भैं चुनिया फड़ फड़ के सिर से दिना सा अज उन्हों भैं की इज्जत तू पत पैर च रो रहा उन्हों किसान कहना सी कि समा आड़ दौ मैं थोड़ी तो बह पढ़ूंगा जो किसान भी रोड़ रहे हैं अज वो नौजवान भी जेडे क्या चिट्टा खत्म करूंगा 4 हफ्तों के अज 2 साल तो उपर हो गए अज वो मावा के पुत पता नहीं 2 साल च कितने मर गए इस करके जेड़ा बेड़ा गर्क हो गया तो गर्क हो के रहना यह रोस धरना मांग करता है।
करके वध तो वध सजा तुहानू मिलेगी। अरदास करदा राज दे बड़ी जिहड़ी पवित्र हुंदी आ, इहदे बड़ी ताकत हुंदी आ। मैं समझदा कि इस ताकत ने ये तैनू बड़ा कुछ दिखाऊगी। इस करके मैं अज दे रोस धरने ते ये जकारा बुलाउंदा समाप्ति करदे ते कल दा रोस धरना बहुत संगत लै के आऊगी। बोले पत्रकार साहब के लिए बादल साहब इतने हो रहे थे। मैं समझना कि बहुत वही इन्होंने प्रेस से एक बहुत व्डा जिते बहुत धर्मां से भी हमला कानू चालू किया उसे प्रेस से बहुत व्डा हमला कि जे वो वीर पुटड़ हुए आना हक बनता से कि उसे कोई जाए उन्होंने कोई फर्स्ट एड दे जबरी उन्होंने हॉस्पिटल के मैं पता लगा कि उठा रहे या छुट्टी दे रहे। असी मांग करते हैं कि जिते उन्होंने इंसाफ भी मिले तो असी उन्होंने हमेशा ही श्रोमणी अकाली दल नाल इस तो बाद असी उन्होंने हाल चाल भी पूछांगे और जिस चीज की लोड़ हुई श्रोमणी अकाली दल तो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी हमेशा उन्होंने सेवा हाजिर होगा।